हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए फ्रेंड, ये क्या है? ये जाफरी के बीज है फ्रेंड, मुरझाए हुए फ्लावर है। इसे ऐसे करके आप बीज बना ले और आप रख दे। ये एक जो कचरा वाला है ना, ये इसका नीचे वाला वो निकाल दीजिए। इस बीज को आप संभाल के रख दीजिए, अगले सीजन में आपको बहुत ही काम आएगा। अच्छे से ग्रोथ करता है ये। मैंने तो फ्रेंड ऐसा ही किया है। अभी मुझे इसमें से जो निकालना है थोड़े बहुत, मैंने गार्डन में डाल दिया है। नीचे मेरे जो ग्राउंड फ्लोर में भी डाला है, ऊपर भी मैंने कहीं कहीं डाल दिया है ऐसे बीज, ताकि पूरा साल मेरे गार्डन में से फ्लावर ना जाए। अभी गर्मियाँ हैं तो भी मेरे गार्डन में फ्लावर बने रहे, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। जो मेरे गमले, बड़े वाले गमले हैं ना, उसमें डाल दिया है ऐसा। ये जो इसका है ना छिलका, ये फेंक दीजिए। इसमें से बीज बन जाता है ना, तो सूख जाता है तो निकल जाता है और ये रह जाता है कचरा। इसे अच्छे से साफ करके आप एक पॉलीथीन में रख के पैक करके रख दीजिए, ताकि बारिश का सीज़न आए तो ये ख़राब ना हो। बारिश के सीज़न में आप डाल सकें, लगा सकें। फिर ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ये लगाना तो नहीं है ज़रूरी, पर बस ऐसे ही आप फेंक दीजिए। ऐसे कोई जो आपको फ्लावर मिल जाए कहीं से सूखा हुआ, सूखा हुआ ना हो तो कहीं नहीं, कोई बात नहीं। सूखा हुआ ना तो घर में सूखा लीजिए और ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए। मिट्टी डालना नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें, ऊपर मिट्टी भी नहीं डालनी है। मैंने ऐसे ही बिखेर दिया है मेरे कोई कोई गमले में, नीचे के गार्डन है उसमें भी मैंने ऐसे ही बिखेर दिया था। ऐसे ये बीज, ये सब बीज ही है। देखिए ये बीज है, सब काला और सफ़ेद है ना, वो बीज है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बीज है, ये बीज है। ये ऑरेंज वाला है ना, वो निकाल दीजिए। बाकी ये बीज है। आप जल्दी ऐसे अच्छे से पैक करके रख दीजिए, क्योंकि अभी सूखा मौसम है ना, तो ये सूख जाएगा अच्छे से, बीज नहीं रहेगा इसमें तो अच्छा रहेगा। इसे लगाना भी आसान है फ्रेंड, बहुत ही आसान। इसकी कोई केयर नहीं है, कोई ज़्यादा इसे खाद नहीं चाहिए। हाँ पानी चाहिए फ्रेंड, गर्मियों में पानी कम होता है तो ये लटक जाता है इसके पत्ते। देखिए कितने अच्छे हेल्दी है। इतने सारे मैंने इकट्ठा किए हैं फ्रेंड, किस किस को चाहिए मुझे बताइए। बहुत ही इकट्ठे किए हैं मैंने, तो फ्रेंड ये आप रख दीजिए। और मैं तो ऐसे ही डाल दे रही हूँ, ताकि मेरे गार्डन में फ्लावर बने रहे कोई भी सीजन में। छोटा बड़ा सब फ्लावर ये हो जाता है फ्रेंड। देखिए ये बहुत ही एकदम हेल्दी है, कोई भी कैसा भी हो फ्रेंड हेल्दी ही है। देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें बीज है, हवा में भी उड़ जाते हैं फ्रेंड ये। और बिखर के कहीं ना कहीं इसे मिट्टी थोड़ी मिल जाए, थोड़ा मॉइस्चराइजर मिल जाए। देखिए बीज कितना अच्छा है, तो ये अच्छे से हो जाता है फ्रेंड। इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी लगाया नहीं है फ्रेंड। मैं ऐसे ही बिखेर देती हूँ जो फ्लावर सूख जाते हैं ना पौधे पर, और लेके मैं उसी गमले में बिखेर देती हूँ। नहीं मिट्टी डालनी है, नहीं कुछ करना है आपको, नहीं राह देखनी है कि हो गया कि नहीं। 3-4 दिन में तो बहुत ही अच्छे से इसके पौधे निकल आते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से। मैंने लगाया है, बहुत ही अच्छे से हो गया है मेरे पास। तो मेरे पास अभी भी फ्रेंड इतनी गर्मी है तो अभी मेरे पास ये बने रहेंगे। आपके गार्डन में 12 मास आपको जो फ्लावर चाहिए तो ये आप ज़रूर करिए। गेंदे का है, ये जाफरी का है, ये बहुत ही अच्छा फ्लावर इसमें होता है और अच्छा लुक देता है हमारे गार्डन में, और अच्छी स्मेल इसमें, बिनी बिनी स्मेल आती है फ्रेंड। सब बोल रहे हैं कि इसे मॉस्किटो नहीं आते हैं फ्रेंड। मैं तो इसका खाद भी बनाती हूँ, बहुत सारे मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। देखिए मैंने खाद भी बना लिया है, वो आपके साथ शेयर भी किया था। अब मुझे ये संभाल के रखना है, क्योंकि गर्मी आई है तो मैं इसे संभाल के रख दूँ। जैसे ही बारिश का सीजन आएगा ना फ्रेंड, तो मैं ये डाल दूंगी अच्छे से।
तो ये हो जाएगा। इसे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको राह देखना है, छांव में रखना है, ऐसा कुछ नहीं। कटिंग लगा, कटिंग भी लग जाता है ऐसा, इसका कटिंग भी अच्छे से लग जाता है, वो भी कुछ नहीं है ऐसा। आपके पास जो हो कहीं से कटिंग मिल जाए तो भी आप लगा सकते हैं, और कभी भी ये लगा सकते हैं फ्रेंड। बारिश हो, धूप हो या सर्दियाँ हो, कभी भी आप इसका बीज लगा सकते हैं। इसका फ्लावर ऐसे बिखेर देंगे सूखा हुआ, तो एक वीक में तो अच्छे पौधे निकल आते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से जल्दी जड़ पकड़ लेता है, जल्दी ग्रोथ हो जाती है इसकी, और बड़े भी बहुत ही जल्दी होते हैं। मैं तो कोई भी इसमें खाद नहीं देती हूँ फ्रेंड, ये लगाती हूँ ना, तो जो गमले में, जिस गमले में मैंने लगाया है उसी में जो खाद पड़ा है उसी में से न्यूट्रिशन लेता है। इसे पानी की ज़्यादा और धूप, ये दोनों की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो अभी गर्मियों में पानी नहीं देते ना तो मुरझा जाते हैं, लटक जाते हैं, तो आप इसे पानी का गर्मियों में बहुत ख्याल रखें। देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही बड़े बड़े हैं बीज, बहुत अच्छे हैं। चिड़िया रानी आ गई है फ्रेंड, मैं आती हूँ ऊपर तो आती है तुरंत। सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो फ्रेंड आप भी लगाइए, ये जाफरी के बीज हो या गेंदे के हो। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने बीज बिखेर दिया, फ्लावर के जो मेरे पास है जाफरी के, उसको बिखेर दिया था, इसमें पहले पौधे लगे थे, इसी में सूखे पौधे मैंने सूखे फ्लावर बिखेर दिए थे, अभी ये इसमें तैयार हो गए, कितने सारे बन गए, कोई लगाया नहीं है फ्रेंड, ऐसे ही मैंने बिखेर दिया था। जो इसके जो बीज होते हैं ना फ्रेंड, वो फ्लावर के संपर्क में, सॉरी मिट्टी के संपर्क में और थोड़ा पानी मिल जाता है ना मॉइस्चर, तो वो अपने आप ग्रोथ करने लगता है, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर ली है। देखिए इसे मैं सेपरेट करूँ या इसी में रखूँ, मैं तो गमले नहीं है तो इसी में रख दूँगी, एक दो कहीं लगा दूँगी, बाकी इसी में रख दूँगी, तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। देखिए ये प्लास्टिक का गमला है मेरा, इसमें मुझे, इसमें मैंने लगाया, पहले लगाया था, इसमें आपके साथ शेयर भी किया था, इसमें बहुत सारे पौधे थे, उसमें से बीज इसमें गिर गए हैं, और थोड़े बहुत मैंने डाल दिए, बीज फेंक दिए, ऐसे बिखेर दिए, तो इतनी अच्छी ग्रोथ कर गया। कहीं भी एक बीज निकल जाए, इसका गिर जाए तो ये हो जाता है। देखिए इसमें भी बीज गिर गए हैं, तीन पौधे इसमें भी बन गए हैं। कहीं भी आपके इसका बीज गिर जाएगा तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा। डिब्बे में मैंने लगाया, मतलब डाला है, बीज डाल दिए हैं। देखिए यहाँ तो बड़े बड़े हो गए हैं, देखिए ये मेरे कनेर के हैं डिब्बे, इसमें मैंने लगाया नहीं है, बीज डाल दिया था, बिखेर दिया था, तीनों में हो गए हैं। ये चंपा का है, ये कनेर का है, ये भी कनेर का है, इसमें तो बड़े हो गए, देखिए बहुत बड़े बड़े होने लगे हैं। अभी इसमें फ्रेंड 12 महीना मेरे पास फ्लावरिंग करता रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें भी है, देखिए इसमें भी मैंने लगाए, डाले नहीं हैं, बिखेरे नहीं है, पर अपने आप गिर गया है, हवा से भी उड़ जाता है, इतना हल्का होता है इसके बीज, तो इसमें भी लग गए बहुत सारे, ये मुझे निकालने पड़ेंगे। कहीं भी आपका एक जो जाफरी का एक भी बीज गिर जाएगा तो अपने आप होता रहता है। इसमें भी देखिए बहुत सारे इसमें लगे हुए हैं, उस तरफ है, उस तरफ है, बड़े भी हो गए हैं, थोड़े बड़े हो जाए फ्रेंड तो इसमें ऊपर से आप थोड़ा पिंच कर लीजिए, अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड ये कहीं भी गिर जाएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं तो पूरा गार्डन आपका कवर कर लेगा। ये देखिए मैं सूख जाता है ना तो ले लेती हूँ, देखिए इस तरफ देखिए कितने सारे बन गए हैं, यहाँ भी देखिए बहुत सारे बन गए हैं। तो फ्रेंड आप भी ऐसे ही लगाइए, इसमें भी है देखिए, अभी तो इसमें बीज गिरे हैं तो बन रहे हैं, पौधे बन रहे हैं। इसमें मैंने बल्ब लगाए थे, ये फ्लावर यहाँ पड़ा है, देखिए ये मैंने डाला नहीं है, गिर गया, इसमें इतने सारे यहाँ बन गए हैं, देखिए इतने सारे बन गए हैं।
तो फ्रेंड कहीं भी ये गिर जाएगा तो अपनी जगह बना लेता है, इसे लगाना नहीं पड़ता। एक ये इसकी खासियत है कि लगाना नहीं पड़ता ये बीज को। कभी कहीं इधर उधर हवा में उड़कर चला जाएगा, वहाँ वो अपनी ग्रोथ बना लेगा। देखिए मेरे इसमें भी लगे हुए हैं अपने आप, तो इसे लगाना बिल्कुल नहीं पड़ता फ्रेंड। एक बार आपके गार्डन में कहीं से एक फ्लावर लाए और बिखर दीजिए, सूख गया हो तो बिखेर दीजिए, तो आपके गार्डन से कभी जाफरी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड देखिए चिड़िया आई है पानी पीने, मैं यहाँ खड़ी हूँ फिर भी पानी पी रही है। दो कदम भी नहीं हूँ मैं दूर फ्रेंड, कैसे पी रही है। ये आती है ना, मैं आती हूँ गार्डन में तो आती है, बोलती है। देखिए कितने अच्छे से पानी पी रही है घूट घूट कर। सुबह सुबह चलो उठ गई। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए।